हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक दोस्तों कि इंस्टाग्राम में अपने लिंक को कॉपी कैसे करें। अगर आप अपने इंस्टाग्राम आईडी के लिंक को अगर कॉपी करना चाहते हैं, किसी को शेयर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं कि उसके ज़रिए वो डायरेक्ट जो है आपको फॉलो कर सके, अगर आप भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे, अपने इंस्टाग्राम आईडी के लिंक को कॉपी कैसे करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड जो है मैंने इंस्टाग्राम को आपके सामने ओपन कर लिया है, अब मैं प्रोफाइल पर जाता हूँ और प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाया जाता कि जिससे आप लिंक को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाया जाता है जिसके ज़रिए आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं। अब रही बात आप अपने इंस्टाग्राम आईडी के लिंक को कॉपी कैसे करेंगे, तो आपको लिंक को क्रिएट करना है। कैसे आप लिंक को बना सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, अपना यूजर नेम है इसको आपको कॉपी करना है, तो जो यूजर नेम दिखाया जाता है उस पर होल्ड करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। जैसा आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आपको इसको इंस्टाग्राम को हटा देना है। अब आपको क्या करना है, या तो आप अपने नोट्स पैड का जो ऐप है उसमें, या इंस्टाग्राम व्हाट्सअप का जो है उसमें, या किसी में भी, या फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, किसी में भी आप जिसको भेजना चाहते हैं उसमें जाके और उसको ओपन कर लेंगे। तो आपको कैसे करना है, जैसे कि मैं व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं मेरी चैट में यहाँ पर चला जाता हूँ। मेरी चैट में जाने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है https करना है। इसको करने के बाद स्पेस नहीं देना है आपको, डबल डॉट, इसके बाद आपको डबल स्लैश, जैसा आप डबल स्लैश लगा लेंगे, डबल स्लैश लाने के बाद आपको लिखना है instagram.com, इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आपको फिर से स्लैश लगाना है, स्लैश लगा दिया है। स्लैश लगाने के बाद आपने जो यूजर नेम कॉपी किया था उसको आपको पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये सामने वाले के पास सेंड हो जाएगा, जिसको भी आप सेंड करना चाहेंगे, व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, जिसको भी। अब जैसे वो लिंक पर जैसे कॉपी करेगा गाइज कुछ इस तरह से, और जैसे कि अगर आप यहां से डायरेक्ट चले जाएंगे इंस्टाग्राम पर, जैसे आप जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल है जो कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगी सामने वाला जब लिंक पर क्लिक करेगा। तो ऐसे करके आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और रही बात अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करेंगे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के यूजर नेम और आईडी के पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ओपन होकर आ जाएगा, प्रोफाइल पर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ से आप जो है आपकी जो भी यहाँ से आपके जो वेब एड्रेस में जो आपके आ रहा है इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और इसको भी आप यहाँ से किसी को भेजेंगे तो भी जो है वो डायरेक्ट आपके लिंक पर आ सकता है, आपके इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकता है, आपके इंस्टाग्राम आईडी पर आ सकता है। तो कुछ इस तरह से आप जो है इंस्टाग्राम के लिंक को कॉपी कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।